नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हमें देखना है बायोलॉजी से एक चैप्टर ह्यूमन आई यानी मानवी आंख, मानव की आंख। आई देखना है हमको कि आंख से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आंख के कार्य क्या क्या है, आंख की संरचना क्या क्या है, आंख में किसी एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है, किसी एक स्वस्थ व्यक्ति की अधिकतम न्यूनतम दूरी क्या होती, अधिकतम दूरी क्या होती है, यानी देखने के लिए कौन कोई व्यक्ति कितनी दूरी तक यानी अनंत तक देख सकता है, कोई व्यक्ति कितनी पास तक की व्यक्ति को स्पष्ट देख सकता है। चलो, तो सबसे पहले तो दोस्तों आई था, ये आंख है हमारी। आंख होती है दो प्रकार की। सबसे पहले तो किसी भी सजीव की, जंतु की आंख कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो एक होती है सिंपल आई, क्या होगी सिंपल आई यानी होती है सरल आंख। दूसरा होता है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई यानी यह होता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आई। तो यहाँ सरल आंख होती है और एक ये संयुक्त आंख होती है। सबसे पहले तो सरल आंख क्या होती है, तो वैसी आंखें जो वस्तु का प्रतिबिंब एक ही बार में देख ले, वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय में देख ले, एक ही बार में देख ले, वस्तु का प्रतिबिंब एक बार में देख सके, एक बार में देख सके, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब एक बार में देख सके को या तो वह कहलाती है क्या, सरल आंख। जब प्रतिबिंब को टुकड़ों में देखे, प्रतिबिंब को टुकड़ों में देखना यानी कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो आंख वस्तु के अलग अलग भागों को टुकड़ों में देख पाती है तो वह कहलाती है संयुक्त या कंपाउंड आई। मानव की आंखें कैसे हैं, तो सरल आंखें सिंपल आई है। ह्यूमन आई कैसी होती है, तो सिंपल आई होती है। इसके बाद आंख किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो हमारी जो मानवीय आंख है, आंख जो होती है आई बाल के अंतर्गत पाई जाती है। आंख किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो आई बाल के अंतर्गत पाई जाती है। आई बाल होता क्या है, तो हमारी आंखों की यदि हम संरचना बनाए, ये हो गई आंखों की संरचना। इसके ऊपर से एक परत होती है, इसके ऊपर से बाहर की ओर एक परत होती है, तो यही कहलाता है एकदम ऊपरी परत, स्क्लेरा कहलाती है। एकदम ऊपरी परत क्या कहलाती है, स्क्लेरा कहलाती है। स्क्लेरा यानी होता है श्वेत पटल, श्वेत पटल। और एक ठीक इस बीच के परत के एक आंतरिक भाग होता है, आंतरिक एक और परत होती है, आंतरिक भाग में एक परत होती है। तो इस प्रकार से हो गई तीनों परतों का एक संयुक्त रूप आई बॉल क्या होती है, तो आई बॉल यानी तीनों परतों, कौन कौन सी, सबसे ऊपरी परत होगी स्क्लेरा, इसके ठीक मध्य की परत होती है कोरोइड। ये कोरोइड होता है आंखों का वह हिस्सा होता है जहां पर ब्लड पाया जाता है। कोरोइड में क्या पाया जाता है, तो ब्लड पाया जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि हमारी आंखों को पोषक तत्व प्रदान कौन करता है, खनिज मिनरल्स कौन प्रदान करता है, तो कोरोइड करता है। कोरोइड द्वारा क्या होता है, हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोषक आंखों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आंखों को पोषक तत्व प्राप्त करने वाला अंग कौन सा हो गया, तो कोरोइड हो गया। इसके ठीक आंतरिक भाग कहलाता है ये हमारा रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। रेटिना के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ए स्ट्राइक का होता है और एक यहां पर होता है एक अंडा आकार का होता है या गोल आकार का होता है। तो ये भाग कहलाता है हमारा येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और ये भाग कहलाता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, जिसे ब्लाइंड स्पॉट को ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है। ये है तीन परतों का एक समूह यानी मानवीय आंख कहां पाई जाती है, तो आईबॉल के अंतर्गत पाई जाती है। आईबॉल के कितने हिस्से हैं, तो तीन परतों से मिलकर आईबॉल बनता है, एक स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा होता है बाह्य परत आंखों की, कोरोइड होता है मध्य परत और रेटिना होता है एकदम आंतरिक परत। रेटिना का एक भाग होता है कहां पर, येलो स्पॉट, और एक भाग होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड स्पॉट में कोई सेल नहीं पाई जाती, ब्लाइंड स्पॉट में क्या है, कोई सेल यानी क्या हो गया, कोशिका नहीं पाई जाती।
कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। जबकि ये जो येलो स्पॉट पॉइंट है इसमें दो फोटोसेंसिटिव सेल पाई जाती है। कौन कौन सा? दो सेल पाई जाती है, रॉड सेल एंड कॉर्न सेल। रॉड सेल और कॉर्न सेल दो सेलें पाई जाती है। ये रॉड सेल और कॉर्न सेल क्या करते हैं? तो ये रॉड सेल हमारी आंखों में व्हाइट प्रकाश और एक ब्लैक प्रकाश, यानी व्हाइट और ब्लैक प्रकाश का निर्धारण, सफेद और काले रंग का निर्धारण कौन करता है? तो हमारा रॉड सेल। और लाल हरा और नीला का रंगों का निर्धारण कौन करेगा? लाल हरा और नीला, ये करता है कॉर्न सेल। जब हमारी आंखों के येलो स्पॉट पर W और B को निर्धारित करने वाला रॉड सेल प्रभावित हो जाए तो वो हो जाता है वहां पर कौन सा रोग हमारी आंखों में? हेक्टोलोफिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जहां पर रात में हमें धुंधला दिखाई देता है। कॉर्न सेल जब प्रभावित हो जाएगा तो ये होता है लाल हरा और नीले रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। अर्थात कॉर्न सेल का प्रभावित होना कौन सा रोग कहलाते हैं? तो वर्णांधता का रोग। और ये उत्पन्न होगा किसके कारण? जेनिटल डिसीज होगा। जबकि रॉड सेल प्रभावित किसके कारण होगा? तो विटामिन ए की कमी के कारण होगा। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर ए भाग होता है उभरा हुआ, यानी ये जो हमारा स्क्लेरा है, स्क्लेरा का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया को कहा जाता है सामान्य भाषा में खिड़की, कॉर्निया होता है। कॉर्निया के ठीक आंतरिक भाग में एक गोलाकार आकार का होता है, ये हमारा कहलाता है आयरिस, ये होता है आयरिस। इसी आयरिस के ठीक मध्य में होता है हमारा पुपिल, पुपिल यानी होता है पुतली, पुपिल, ये होता है डॉट। और यहाँ पर एक पाया जाता है, ये हमारा कॉर्निया, यानी हमारी आंखों का प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। कॉर्निया से प्रवेश कर कहां पहुंचता है? तो ये आयरिस पर पहुंचता है। और आयरिस का कार्य क्या है? तो ये आयरिस के अंदर पाया जाता है पुपिल यानी पुतली हो गया, पुतली। और ये आयरिस यानी होता है परितारिका, आयरिस यानी परितारिका। यानी कॉर्निया से जैसे ही प्रकाश ने प्रवेश किया तो ये आयरिस इस प्रकाश की किरणों को अध्ययन करता है, या प्रकाश की किरणें तीव्र है या कम तीव्र है उसका अध्ययन करके इस पुतली का आकार घटाता या बढ़ाता है। यानी पुतली के आकार का समायोजन कौन करेगा? आयरिस करता है, यानी स्वतः ही अपने आकार को घटा बढ़ा लेता है। जैसे हम किसी धूप में चलकर किसी अंधेरे कमरे में आए तो कमरे में आते हमें, या सीधे सामान्य कमरे में भी आए तो हमें अंधेरा महसूस होता है। इसका कारण क्या है कि इतने कम समय में आयरिस अपना आकार को बढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। या हम किसी तीव्र किरणों को देखे तो हमारी आंखों का आकार छोटा हो जाता है। आंखों का आकार बढ़ना या घटना किस पर निर्भर होता है? तो इस आयरिस पर होता है। इस बीच में पाई जाने वाली पुतली के ठीक पीछे पाया जाता है हमारा लेंस। इसके ठीक पीछे क्या पाया जाता है? हमारा लेंस पाया जाता है। और लेंस किसका बना होता है? तो लचीले, लेंस लचीला होता है। और किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। लेंस किसका बना होगा? तो प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पर ये जो द्रव के रूप में पाया जाता है कॉर्निया और आयरिस के मध्य, ये द्रव कहलाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये द्रव होता है जिसमें क्या क्या होता है? तो H2O यानी जल होता है, और साल्ट यानी आयोडीन का एक कुछ परसेंट होता है। तो ये H2O और साल्ट का एक यौगिक होता है जो एक्वस ह्यूमर यानी क्या कहलाता है? हमारा आंसू कहलाता है। इसी के द्वारा क्या बनते हैं? तो आंसू बनते हैं। और ये जो यहाँ से प्रकाश जैसे ही प्रवेश किया कॉर्निया से, आयरिस पर टकराया, आयरिस ने पुतली के आकार को नियंत्रित किया, घटाया या बढ़ाया, ये प्रकाश अपवर्तन होकर कहां पर जाता है? तो इस रेटिना पर पड़ता है। और जैसे ही रेटिना पर पड़ा तो रेटिना का रेटिना पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है आंखों में? रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना पर बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि आंखों में सबसे पहले स्पष्ट और एकदम साफ, सबसे पहले स्पष्ट और एकदम साफ या तुरंत, सबसे पहले स्पष्ट या साफ या तुरंत किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो येलो स्पॉट। येलो स्पॉट एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब तुरंत बनेगा, साफ बनेगा, स्पष्ट बनेगा और सबसे पहले बनेगा, क्योंकि यहां पर दो सेल पाई जाती है, रॉड सेल और कॉर्न सेल। कोरोइड होता है जहां पर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोरोइड में क्या पाया जाता है? तो ब्लड पाया जाता है। अब ये जो खाली भाग है, ये पूरे खाली भाग में क्या पाया जाता है? तो इस पूरे खाली भाग में भी क्या पाया जाता है? तो एक द्रव पाया जाता है। और वो द्रव कौन सा होता है? तो विट्रियस ह्यूमर होता है। द्रव कौन सा?
तो विट्रियस ह्यूमर होता है। यानी एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, तो कॉर्निया और आयरिस के मध्य, जबकि विट्रियस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, तो हमारे रेटिना और इस आयरिस के मध्य, यानी इस बीच वाले भाग में पाया जाता है। ये विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, तो ये हमारी आंखों के आई बॉल का आकार निर्धारण करता है, आई बॉल का साइज निर्धारण करता है, साइज निर्धारण करता है, आई बॉल का साइज निर्धारण करता है कौन, विट्रियस ह्यूमर। चलो, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन कि हमारी एक आंख का या स्वस्थ आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को स्पष्ट देख सकता है या हमारी आंखें देख सकती हैं। अब इसके बाद आता है कि कोई व्यक्ति की स्पष्ट अधिकतम दूरी कितनी है, यानी अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है। न्यूनतम यानी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम यानी क्या हो जाएगा, तो अनंत तक देख सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर कितने समय तक रह सकता है, तो 0.1 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बना रह सकता है, 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड आएगा। इसके बाद आता है कि हमारी आंखों में एक रोग हो जाता है मोतियाबिंद, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। कैसे होता है मोतियाबिंद, क्यों हो जाता है, जिसमें हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ या अवस्था बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखें धीरे धीरे क्या होती है, अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगती है। अवस्था परिवर्तन के क्रम में क्या होता है, ये जो स्क्लेरा होती है एकदम ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत पर अंदर की ओर क्या होता है, कुछ झिल्लियां बनने लगती है, कुछ एक परत जमने लगती है, जिसे कहा जाता है परतों का जमना कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी परत जमने के कारण ही हमें धुंधला दिखाई देता है, और ये कहलाता है हमारे मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद यानी क्या होता है, तो स्क्लेरा यानी श्वेत पटल पर झिल्लियों का बनना। तो ये था दोस्तों हमारी आंखों में। फिर होता है एक निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। लेंस होता है दोस्तों आंखों में, लेंस कैसा होता है, तो लेंस हमेशा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है हमारी आंखों में, यानी उत्तल प्रकार का होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है हमारी आंखों में। इसके बाद उत्तल लेंस का वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, तो उल्टा और वास्तविक। उत्तल लेंस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा और वास्तविक। इसके बाद हमारी आंखों में दो रोग और पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दिखाई देना, दूर का नहीं दिखाई देना। दूरदृष्टि दोष यानी दूर का दिखाई देना, निकट का नहीं दिखाई देना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ एक जरा दृष्टि दोष आता है, जहां पर ना ही निकट की दिखाई देती है ना ही दूर की, तो वह कहलाता है जरा दृष्टि दोष। और इस रोग के उपचार में होता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग। तो ये था दोस्तों बायोलॉजी में हमारा आंखों से संबंधित कुछ क्वेश्चन, क्या क्या पाया जाता है आंखों में, कहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पर कौन सा द्रव पाया जाता है, किस द्रव का क्या कार्य है, कौन कौन सी परतें हमारी आंखें क्या है, तो आई बॉल के अंतर्गत पाई जाती है। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई डाउट रहे इसमें तो कमेंट करें, जो हमें मालूम चाहिए।